पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए डिविडेंड सीरीज का चौथा शेयर लेकर आए हैं, SPWL सैफ पावर लिमिटेड। 8 अप्रैल को इसकी कीमत थी 22.46 रुपये। इसने 1 रुपये का डिविडेंड भी दे रखा है, तो समझ लें इसकी आज की कीमत है 21.46 रुपये। इसकी 2021 की EPS थी 4.52 रुपये, डिविडेंड दिया 8 रुपये। अगर 2022 में इसकी EPS और डिविडेंड ऐसा ही रहा तो आज की कीमत के हिसाब से डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड से मिला मुनाफा बनेगा 36%। तब अगर एक साल बाद भी कीमत 22.46 रुपये रही तो इस हिसाब से ये भी बहुत ही अच्छा शेयर लग रहा है। लेकिन वही बात कि मार्केट में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पता नहीं एक बात आपके दिमाग में आई या नहीं, जब इसने 4.52 रुपये कमाए तो 8 रुपये का डिविडेंड कैसे दिया? असल में कंपनियां हर साल जो कमाती हैं वो पूरा पूरा डिविडेंड नहीं देती, फिर आने वाले सालों में चाहें तो पिछले साल का कमाया पैसा इजाफी डिविडेंड की सूरत में भी दे सकती हैं। पिछली वीडियो जो कैपको की थी उसमें हमने ये बताया था कि हुकूमत ने पावर कंपनियों के पुराने पैसे नहीं दिए, और इस साल जब वो दिए तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी कमाई से भी ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर आप इसके पुराने नोटिस का जायजा लें जो इन्होंने PSX की वेबसाइट पर डाले, उसके मुताबिक हुकूमत ने 40% अदायगी की है 2021 में और 60% अदायगी हुकूमत इस साल करेगी। और इन्होंने अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये भी बताया कि इनको जब भी फालतू पैसे हुकूमत से मिलेंगे तो ये इरादा रखते हैं कि उसे अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं। इस बात से उम्मीद की जा सकती है कि इस साल भी वादे के मुताबिक अगर हुकूमत ने इनको इनके पैसे लौटा दिए तो ये पिछले साल की तरह का ही डिविडेंड देंगे। अब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं अगर इन्होंने ना दिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसके माजी के रिजल्ट्स को देखते हैं ताकि ये अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर किसी भी वजह से हुकूमत ने इनको पैसे नहीं दिए तो फिर ये कितना डिविडेंड दे सकते हैं। 19, 20 और 21 की EPS थी 9.44 रुपये, 6.14 रुपये और 4.52 रुपये। डिविडेंड को देखें तो 19, 20 और 21 में दिया 3 रुपये, 3.75 रुपये और 8 रुपये। 2018 में भी तकरीबन 3 रुपये ही दिया था। मतलब अगर 2022 का सेल्स और मुनाफा 2021 की तरह ही हुआ और अगर हुकूमत ने इनको पैसे नहीं दिए फिर भी ये 3 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं, और 3 रुपये के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी 13 रुपये, वो भी कोई इतनी बुरी नहीं। हुकूमत अगर आज पैसे रोक भी ले तो 6 महीने बाद या साल बाद या 1.5 साल बाद तभी तो देगी। इसलिए जब तक हुकूमत से वो पैसे मिल नहीं जाते इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद रहेगी। बस एक काम ज़रूरी है, हर शेयर जो आपने ख़रीदा इसके हर क्वार्टर के रिजल्ट्स का जायज़ा लेते रहें कि सेल्स या मुनाफे में कहीं बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आ गई, और उस हिसाब से आप मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।